गर्ल्स, आज मैं आपको किशोरावस्था में होने वाले भोजन संबंधी विकृतियों के बारे में बताऊंगी। ईटिंग डिसऑर्डर एटाटोलेसेंस, पहला है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा ये एक तरीके की एडोलेसेंट किशोर यानी कि किशोर और किशोरियों में होने वाली बीमारी है जो जनरली होती है। इसके कारण क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ एनोरेक्सिया नर्वोसा में होता क्या है। इसमें किशोर और किशोरी जो होते हैं वो खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं और बहुत ही कम मात्रा में खाते हैं, जिसके कारण वे पतले और या बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। कारण, जैविक मानसिक परिवार का दबाव। जैविक कारण क्या होते हैं कि कई बार क्या है कि बायोलॉजिकल का, जिसको कहते हैं जैविक का मतलब होता है बायोलॉजिकल, जैविक कारण में क्या होता है कि घर में अगर किसी को ये बीमारी हो तो बच्चे को भी ये बीमारी होती है। मानसिक, कई बार क्या होता है कि बच्चे मानसिक रूप से बड़े तनाव में होते हैं तब उनको ये ऐसी बीमारी होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजिकल। और तीसरा है आपका परिवार का दबाव, यानी कि फैमिली रीजंस। ये तीन कारण होते हैं। बायोलॉजिकल कारण में तो मैंने आपको बता दिया कि घर में अगर कोई ग्रस्त है, माता पिता या घर में कोई और मेंबर ग्रस्त है, तो बच्चों में भी ये प्रॉब्लम होने के चांस होते हैं। मानसिक यानी कि साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकली रूप से अगर कोई जो है, अगर बच्चे वो है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे, लड़की है या लड़का है, पर वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं और वो खाना खाना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। नेक्स्ट है परिवार का दबाव, फैमिली रीजंस। कई बार परिवार वाले कहते हैं नहीं, आपको पतले रहना है, पतला दिखाई देना है, बहुत अट्रैक्टिव लगना है, तो इस कारण से भी परिवार का इतना प्रेशर होता है कि वो खाना खाना छोड़ देते हैं और इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तीसरा आपका जो प्रभाव है, नेक्स्ट है कि किस तरीके का प्रभाव पड़ता है इनके शरीर में। शरीर में जैसे कि पहला है शारीरिक, शारीरिक प्रभाव में क्या होता है, भार में कमी आ जाती है, उल्टियाँ होने शुरू हो जाता है और कब्ज़ की शिकायत होती है। और कई बार क्या होता है कि उनके लड़कियों में जो होता है मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स जो होते हैं वो अनियमित हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, शरीर का फूलने का एहसास, कब्ज़ की शिकायत तो रहती है, कई स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि हृदय रोग वगैरह भी हो जाता है, हृदय रोग भी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका व्यवहार संबंधी कारक। व्यवहार में क्या होता है कि भोजन की ऊर्जा मूल्य व वसा की मात्रा के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। हर वक्त ये इनका ध्यान रहता है कि ऊर्जा कितनी है। सपोज़ करो उन्होंने एक इडली खाई, तो इडली खाते हुए देखेंगे पहले इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, ठीक है। अगर उन्होंने कोई भी एक टोस्ट खाया, इसमें कितनी कैलोरी है, मेरे शरीर में जाके इतने नुकसान तो नहीं करेगी, ये इसमें लाभदायक है, ये हानिकारक है, वगैरह वगैरह, वो हर चीज़ के बारे में खोजबीन करते रहते हैं। भोज्य की ऊर्जा, बहुत कम बच्चे खाना खाते हैं, कई भोज्य पदार्थ वो बिल्कुल नहीं खाते, जैसे मक्खन नहीं खाना, क्या कहते हैं आपकी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी या तेल घी वगैरह नहीं खाना। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारक, यानी कि इनमें क्या होता है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है और वो कम खाते हैं। तो ये जो है इनमें मनोवैज्ञानिक जो होते हैं व्यवहार में चेंजेस आते हैं इनके।